أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المني لقد نبر والكمل لا يمكن السناء كما كان حقه بعد سقطة فزرقته وكسا مختصر <applause> جزا الله وحنا سيدنا مولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي इल्मा 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 रहमतुल्लाहि व वबरकूँ मैं हाफा इफरा जवैद इस्लाम आप सब से मुखाब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे ज़िंदगी पुरसकून प्रतमनान और ईमान बैर गुजर ही होंगी पाला नंबर बीस सूरत अखस उर्दी तजमा और तफसीर आज इसका पहला सबक है शुरू करते हैं आयत नंबर एक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो, तोमीम हरूफ़ मक़्त हैं दिल का आयातुल्कताबी ये रोशन किताब की आयतें हैं नतलूलई का हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने मिन नबा इमोसा व व्राउन मोसा और फ्रोन की कुछ खबर बिलह की कौमी हक के साथ उन लोगों के लिए जो ईमान नहीं रखते जैसा कि हमने इसके तारुफ में पढ़ा सूर्य के तारफ़ में के ये शुरह का जो मुक़ाम नजूल है वो मक्की है और कुफ़ाल मक् जो कि आए दिन रसूल सल्ला वसम की तकजीब करते जुटलाते अहल ईमान को ईजाएँ देते तकलीफ़ें पहुँचाते तो उस वक़्त इस सुरा का नजुल हुआ और रबलमी ने फरमाया नलुआल का नतलौली का मिन नबा इमूसा व फ़िर नबिलह कौमी मिनों ये तो ईमान नहीं रखते तो आए इनके सामने तलावत करें मूसा और फ़िरौन की खबर की ताकि ये नसीहत हासिल करें इन्ना फ्राउना अलाफिल और जिस तरह ये सरकशी कर रहे हैं इन्ना फ्राउना फ़िरन ने भी सरकशी की ज़मीन में वजाला ज़मीन में रहने वालों को यानी इस इसके लोगों के मुख्तलिफ ग्ररोह बना लिए थे यस्तदीफु तवाइफ़तम हूँ युसफ बिहु अब इन्नकाना मिनलमुफ़्दीन इरशाद होता है इस आयत में कि फ़िर जो था उसने ज़मीन में तकबूर किया और उसने लोगों के मुख्तलिफ ग्रोह बना दिए थे इन में एक ग्रोह यानी बनी इसराइल को कमज़ोर रखा गया दूसरा ग्रोह जो था वो कबती थे ठीक है कबत के रहने वाले थे और वो एरिया था ठीक है हज़रत मारिया कबिया हम पढ़ते ना उनका रसूल सल्ह वसलम के जो साहबजादे हैं हज़रत इब्राहिम उनके वतन से ही थे तो ये जो शाह मक़ूक़स है उन्होंने तोहफे में हज़रत मारिया को भेजा था मिस्र का बादशाह था ये तो मिस्र का बादशाह था और हज़रत मारिया के नाम के साथ साथिया क्यों लगता है क्योंकि आपका ताल्लक भी उसी इलाके से था जो मिस्र में उबत नामी एक इलाका था तो जो वहाँ के रिहाशी होते थे उनके नाम के साथ वो नस्बत जुड़ जाती थी ठीक है और देखें कितने हज़ार साल पुरानी तारीख है कि हर दौर में मिस्र का जो बादशाह था वो उस दौर में क्या कहलाता था फ़िरौन कहलाता था और उस दौर में जो फिरौन के साथी थे वो कुबती कहलाते थे जो उस एरिया से ख़ास ताल्लुक़ रखते थे और दूसरे जो थे वो बनी इसराइल कहलाते थे ये दो ग्रोह थे इनमें से एक ग्रोह को कमज़ोर रखा गया मुराद क्या है बनी इसराइल है यहाँ नस में तो लिखा नहीं हुआ कि कमज़ोर ग्रोह से क्या मुराद है लेकिन अंडर ब्रैकेट लिखा है कि इससे मुराद बनी इसराइल है कैसे इस आयत में ही जवाब है कि मैं उनमें से युजब भी बनाऊँ व यस्ता क्योंकि जो बनी इसराइल है उन्हीं के लड़के ज़िबा किए जाते थे उन्हीं के बेटों को कत्ल किया जाता था इस बिना पर कि वो सारी डिटेल पीछे गुजर चुकी है फिर ओन का जो ख्वाब था और उसको डर था कि बनी स्ट्राइल में कोई शख्स पैदा होगा जो कि मेरी बादशाहत के लिए ख़तरा होगा लिहाजा उसने हुक्म दिया कि तमाम जहाँ भी बेटा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए तो बेटियों को वो जिंदा रखते हैं। बेटों को कत्ल कर देते इन्ना हुकान मिनलमुमुफ्तीदीन वो तो बड़ा फसाद करने वालों में से था मनोरीदानन्ना मुन्ना आलिज सॉरी अलफीवारसिन इरशाद होता है और हम चाहते थे कि इन लोगों पर एहसान फरमाएं जिन्हें ज़मीन में कमज़ोर बनाया गया था और इन्हें पेशवा बनाएं और इन्हें मुल्को माल का वारिस बनाए मुराद क्या है बनी इसराइल आलमीन फरमाता है इन्हें ज़मीन में कमज़ोर किया गया था तो हमने चाहा कि हम उन पर इनाम करें हमने चाहा हम उन पर एहसान करें और वो उसका नतीजा क्या था कि उन्हीं में पैगंबर को मबूस फ़रमाया मूसा सलातम को जिन्होंने उन्हें फ़िरौन से निजात दी उसके जुल्म से निजात दी वो जो सालों साल महकूम थे वो जो सालों साल से मज़लूम थे जुल्म की चक्की में पिस्ते चले आ रहे थे और सालों की ग़ुला उनकी थी कि वो ग़ुलाम उनकी औलाद भी ग़ुलाम थे उनकी औलाद भी ग़ुलाम तो ये सदियों की जो ग़ुलामी है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने से दूर हुई ग़र के फ़िरौन के साथ तो यहाँ पर ज़िक्र आता है कि हमने चाहा कि हम इन्हें पेशवा बना दें यानी इकतदार दें ज़मीन में और हम इन्हें वारिस बनाएं मुल्क को माल का और फिर इरशाद होता है और इन्हें ज़मीन में इकतदार दें और फिरौन और हमान और इनके लश्करों को वही दिखा दें मिन हम माँ कानू याजरून जिस अंदेशा से वो डरते थे जिस खतरा जिसको वो ख़तरा समझते थे यानी फ़िरौन और हमार और उनकी फ़ौजों को उनकी जानब से वही ख़तरा जिसका वो अंदेशा किया करते थे हम उन्हें वो दिखाएं और वो क्या था मू सल सलासलम उनकी पैदाइश जिससे वो फिरौन डरता था वही हुआ वो डरता था कि मेरी सल्तनत मेरी हुकूमत मेरी बादशाह छिन जाएगी और लोगों को जो मैंने बता रखा है कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा मसीहा हूँ और मैं तुम पर हूँ, तुम मेरी रियाया हो मैं जैसे चाहूँ तुम पर म वितम करूँ तो रबुलमी ने क्या चाहा रब्लमी की जो हमत है उसको तो कुछ और ही मंजूर था फ़िरौन के इरादे तमाम के तमाम धरे के धरे रह गए وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وَجَاعِلُوهُ من المرسلين الله أكبر यहाँ से मूसलाम की पैदाइश का जिक्र है व उम्मी अलाउमूसा अन आर इसका क्या मतलब है अवहना लफ्ज़ जो है वो वही के मान में आता है और वही जो है वो किसी ख़ातून की तरफ नहीं की गई इससे मुराद वही किताब की वही नहीं है गो के जो रसूलों की तरफ नाजिल होती है इससे मुराद इलाहाम है क्योंकि वही के लफी मानी इशारा करना दिल में छुपके से बात डाल देना वगैरह के हैं तो यहाँ पर जो ग़ैर नबी हैं यानी उम्मी मूसा तो उनके साथ अवैना के मानी क्या मुराद हुए इल्हाम तो हमने इहाम किया मूसा की वालदा की तरफ कि उसे अनदेही बेखतर दूध पिलाती रहे फ़ादा आलई ही फिर जब तुम इनके मतलक़ कोई अंदेशा महसूस करो फलकी ही फिलियमी तो इन्हें दरिया में डाल देना किसे मूसा ललात को वला तफ़ी वला तहसनी और गम न करना खौफ ना हो खाना इतना खादू हुई लही की, हम इसे दोबारा तेरी तरफ लौटा देंगे और जालू हो मिनलुस और इसे रसूलों में से कर देंगे मूसल सलासलाम की पैदाइश उस साल हुई थी जिस साल अब ये बातें अगर आप न्यूली पढ़ रहे हैं तो आपके लिए शायद अंडरस्टैंडिंग ज़रा मुश्किल हो लेकिन ये वाक़ कुरन करीम में इस तरह से इस कदर डिटेल में आ चुका है कि मैं मुनासिब समझूंगी कि जो कुरान का तरजमा है उसी की तफसीर जितनी वक्त इस वक़्त जो ज़रूरत है उसके तहत ही कीजिए और जो ज़्यादा तफसीलात हैं वो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं जो न्यू लिसनर्स हैं वो प्ले लिस्ट में अम्बिया नाम की जो प्ले लिस्ट है उसमें से ये पूरा वाक़ डिटेल में सुन सकते हैं ठीक है थीके? तो मूसा असलात वसलाम की पैदाइश उस साल हुई थी जब फिर ने जब एक साल अलाउ किया था कि जो पैदा हो उसको ज़िंदा रखा जाए और एक साल अलाउ किया था कि जो पैदा हो उसको मार दिया जाए तो आपकी पैदाइश हुई थी जब ये वाला साल चल रहा था कि जब बेटा पैदा हो उसको मार दिया जाए तो हजरत मूसा सलातम अपनी वालदा की गोद में थे कि आपको कम होता है कि जब तुझे खौफ लाक हो जब तुझे ये मालूम पड़े कि अब मूसा असलात की जान को ख़तरा है तो इसको दरिया में डाल दें तो आपने ऐसा ही किया संदूक में डाला और दरिया में बहा दिया और फिर अल्लाह ने आपको ये भी कहा हौसला भी दिया वला तो खाफ़ी वला तहजनी गम ना करना खौफ ना खाना इन्ना वादू हुई की हम मूसा तुझे वापस कर देंगे व जामिनमसली और इसे रसूलों में से कर देंगे तो मालूम ये होता है कि बाज़ औकात हमें चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ती है अल्लाह ताला उसके बदले बहुत बेहतर अता कर देता है मूसा सलासम की वालिदा से भी कुरान कुर्बानी जो है वो ली गई थी और मूसा की वालदा ने अपने एक बेटे को कुर्बान किया और अल्लाह ताला ने वो बेटा उनको लौटा भी दिया किस हमत के तहत वो इस रुकू में ज़िक्र आ रहा है और दूसरी तरफ ये कि उस बेटे को ना सिर्फ लौटाया बल्कि व जालोह मुरसलीन पैगम्बरों में से भी किया रसूलों में से भी किया और ना सिर्फ़ एक को फिर दूसरे को भी यानी मूसा अलैहिस्सलाम के तवस्त तो से आपकी दुआ के तुफ़ैल तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हारून को भी नबूवत अता फ़रमाई सुभान अल्लाह यानी हर नबी को देखा जाए तो पैदायशी तौर पर वह नबी होता है लेकिन अल नबूत और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ ये अल्ला तबारक व ताली ने हज़रत मूसी वालाम को जब नबूत अता फ़रमाई तो हमने सूरह ताहा में डिटेल पढ़ी है कि आप कहते हैं वज वजी मीन अहली हारून अखुदी ही अजरी मेरे साथ हारून को भी भेज जो मेरी ताकत बने और अल्लाह तबारिक व ताली ने हज़रत हारून को भी उनके साथ नबी किया तो वालदा ने अपना बेटा अल्लाह तबारकवा ताली की राह में दिया अल्लाह ने हुक्म दिया दरिया में डाल दो आसान था यही वो तवक्ल का लेवल है कि जब हुक्म होता है कि बेटे को दरिया में डाल दो तो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन ही होता है कि ये लहरें मेरे बच्चे को डबोएँगी नहीं ये लहरें मेरे बच्चे को तरा के रखेंगी और ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं ला होगा क्योंकि तवक्ल है रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तो ये तवक्ल आज हम में नहीं है हम कोई काम करते हैं तो तवक्ल के साथ नहीं करते यकीन के साथ नहीं करते हमें तवक्ल और यकीन सिखाता है ये वाक़ और हर दफ़ा मैं आपको बताती हूँ कि कुरान करीम में ये वाक़ बयान होते हैं तो हर नया पहलू हमारे सामने आता है वालिदा को हुक्म ये होता है कि हम इसको कर लेंगे कर देंगे पैगम्बरों में से और तुम्हें लौटा देंगे फलता का तहु आलमूसा यकून अला हम अदू व महाजना इन न फ़िरऊन वहामाना व जुनूद हुमा कानू खी बस दरिया से निकाल लिया इसे फ़िरौन के घर वालों ने ताकि वो इनका दुश्मन और बायस रनजअलम बने बेशक फ़िरौन और हमान और उनके लश्करी ख़ाकार थे यानी फ़िरौन ने जब वो हज़रत मूसा सलातम को एक संदूक जब वो गुजरता हुआ दरिया में बहता हुआ फ़िरन के महल से गुजरा तो उन्होंने वो संदूक उठाया खोला तो देखा कि इसमें तो एक बच्चा है शेर ख़्वार बहुत छोटा सा वालत फ़िरऊन आइन ली वलग ला ولك لا ऐसा आय फ़ाना अवनत तखिज़ा वल दाऊँ व हमला ये अब फ़िरौन जो है वो ये देख कर कदर एक तरह से तशवीश का शिकार होता है कि ये जो है ये भी लड़का है और जिस तरह के उसने अलाउ किया था और तमाम अपने जो रियाया है उसमें से जो अपने गार्ड्स थे उनको कि आप जहाँ पर बेटा देखो पैदा हुआ छोटा तो उसको कत्ल कर दो तो ये अब तक ज़िंदा क्या कर रहा है तो ऐसे में वो जो हज़रत आसिया हैं फिरौन की बीवी वो मैदान में आती हैं और वो कहती हैं कि इसको कत्ल ना करना ला तख हो इसे ना मारना ठीक है वक़ालतम रतौन फ़िरौन की बीवी फ़िरौन की औरत फ़िरौन को कहती है करतुआईन ली वलग ये बच्चा तो मेरी और तेरी आँखों के लिए ठंडक है शायद यह हमें नफा दे या हम इसे अपना फ़र्जंद बना लें ठीक है और वालदम दम ममला और वो इस तजवीज़ के अंजाम को ना समझ सके यहाँ पर क्या मुराद है तजवीज़ के अंजाम को यानी उन्होंने तो उस वक़्त हज़रत आसिया ने जब फ़िरौन के सामने ये ऑफ़र रखी ठीक है यानी उसने कहा कि फ़िरौन की बीवी ने कहा ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है इसे कत्ल ना करो शायद ये हमें नफा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें और वो बेखबर थे बेखबर किससे थे तो बुलामीन की हमत को तो कुछ और ही मंजूर था और वो ये कि ये हौसा सलातुवा वसलाम है तो अपनी वालिदा ही के बेटे और ये लौटेंगे भी उन्हीं के पास हज़रत मरीम इस सारे मंजर को वाके को देख रही होती हैं ठीक है थीके? उनको मालूम होता है कि फ़िरौन के दरबार में गया है मेरा छोटा भाई और ये हज़रत मरीम हजरतीसा की वालिदा नहीं है ये दूसरी मरीम है ये कन्फ्यूजन भी आपने जेन से निकाल देनी है ठीक है और दूसरी बात ये है मशरून वो नहीं जानते थे कि यही मूसा जब बड़े होंगे जवान होंगे यही बनी स्टाइल को जुल्म से निजात देंगे और यही घर के फ़िरौन का सबब बनेंगे इन्हीं के हाथों अल्लाह तुबारिक वाली फ़िरौन को गरक कर देगा नस्तो नबूद कर देगा और सुबह के वक़्त मूसा की माँ का दिल बेकरार हो गया बेशक करीब था कि वो इसे जाहिर कर देती अगर हम इसके दिल को मजबूत ना करते कि वो हमारे वादे पर यकीन करने वालों में से रहे अब ऐसा था देखें हज़रत मूसा की वालदा को यकीन था तवक्ल था और फिर रब्बुल रब्बुलमीन की तरफ़ से मदद शामिल हाल थी अब देखें उनकी वालिदा बेकरार हैं और हज़रत मरियम आ उनको बताती हैं कि वो जो हजरत मूसा हैं उनका जो तो संदूक है वो तो डायरेक्ट फ़िरोन के दरबार में गया है तो आपकी वालिदा बेचैन हो जाती हैं अब ममता है और हम इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माँ जिसने अपना बेटा संदूक में डाला हो अल्लाह की रहमत की उम्मीद पर छोड़ा हो और उन मोजों पर कि वो बेरहमी नहीं दिखाएंगी और वो इन मेरे बेटे की हिफाजत करेंगी अब वो बेटा तर के जा रहा है तो जा कहाँ रहा है जिससे बचाने के लिए इसको दरिया में डाला था और जब मानूम पड़ता है कि फ़िरौन के पास है हज़रत मिसलाम तो बेचैन हो जाती हैं अल्लाह फरमाता है, करीब है कि वो ज़ाहिर कर देती है अगर हम उसके दिल को ढारस ना देते लिहाजा मैं हमेशा कहा करती हूँ कुछ भी रबुलमी से मांगें तो उस पर कंसिस्टेंसी मांगे उस पर सब्र ज़रूर मांगे उसके अहल अपने आप को ज़रूर रखें कोई नेमत मिली है तो अपने आप को फिर साबित भी करें कि अल्लाह मैं इस नेमत के काबिल थी मुझे मिली यानी मुराद ये कि हम तो उसके इनामात के काबिल नहीं हैं गुनागार हैं लेकिन अगर कोई नेमत मिलती है तो उसका यूज़ इस तरह से करें कि रब की नाराज़गी मोल ना लें फिर अपने आप को भी बताएं कि अल्लाह अगर तूने ये नेमत दी थी तो मैंने अपने आप को इस साबित किया है कि मैं तेरी नेमत का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया ठीक है ना इसी को बेहतरीन शुक्र कहते हैं टाइप ऑफ शुक्र कहते हैं तो राह हिदायत मांगे ईद नसरातलमस्तकी तो फिर साथ ही साथ ये भी मांगे रबना क्लू बना बाद जदयना अल्लाह हिदायत दे और फिर जब हिदायत दे दे तो दिलों को टेढ़ा ना कर देना बाद इसके कि हिदायत हमारे पास हो बिल्कुल इसी तरह से मूसा की वालदा को जब तवक्ल दिया गया तो उसके बाद आपने जो रबुलमी से जात की जो आपकी दुआएं थी और आपके तवक्ल का ही समर था कि अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल रही उसका जिक्र है कि करीब था कि वो इसको जाहिर कर देती लेकिन हमने उसके दिल को ढारस बंधा दी ली मिनल निन ताकि वो यकीन करने वालों में से ही रहे मकौल लिखती ही कुसी, और इसकी माँ ने इसकी बहन से कहा इसके पीछे चल तो वो बहन इसे दूर से देखती रही तो इन फिरोनियों तो फिरोनियों को इस बात की खबर न थी और हमने पहले ही सब दाइयाँ इस पर हराम कर दी थी तो मूसा की बहन ने कहा क्या मैं तुम्हें ऐसे घर बता दूँ जो तुम्हारे इस बच्चा की ज़िम्मेदारी ले लें ले। और वो इसके खैर ख्वा भी हों यानी मूसा सलासम की वालिदा ने हज़रत मरियम को भेजा वहाँ पर और कहा कि देखो कि क्या हालात हैं फ़िरौन के दरबार में अब आप जाती हैं तो देखती हैं कि मूसा आल सलासम किसी और दाई का दूध नहीं पी रहे ठीक है तो हराम करने से मुराद ये है कि हजरत मूसा अपने मतलब अंदर गुजारते ही ना किसी और का दूध तो हज़रत मरीम ये देख रही होती हैं यहाँ पर जिक्र और फ़िरौन को ख़बर ना थी मुराद ये कि फ़िरौनियों को खबर नहीं थी कि ये मऊसा सलातुसम की हकीकी बहन है अब वो आती हैं तो कहती हैं कि मैं कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ जी हज़रत आसिया कहती हैं जी फरमाएँ आप कहती हैं कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इसकी देखभाल कर सके अगर ये किसी का दूध नहीं पी रहे तो मुझे उम्मीद है कि उस दाई का दूध पी लेंगे ठीक है तो हज़रत मरियम ये ऑफर हज़रत आसिया के सामने रखती हैं ठीक है और कहती हैं कि वो तुम्हारे इस बच्चे की कम्प्लीटली जिम्मेदारी भी लेंगी और वह खैर ख्वाही के साथ इसकी परविश भी करेंगी अगर तुम मानो तो, तो फरदना हो अला उम सुबहानल्ला है ना अल्लाह की कुदरत है ना तवक्ल का समर है ना नतीजा मनाजात का है ना अल्लाह तबारिक वा ताली से महब्बत का समर है ना कुर्बानियों के बाद मिलने वाले इनाम का ज़िक्र उसका ज़िक्र है तो हमने इसे इसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि माँ की आग ठंडी हो और वो गम ना खाए और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते ये जो आखिरी आयत है न आयत नंबर तेरह इसका जो आखिरी हिस्सा है के वल तलमादल्ला हकम वाला किन्ना अक्सर हूँ लाआलम इस आयत पे बहुत ज़्यादा वो फ़िक्र करना है बहुत ज़्यादा तद्ब्बर करना है अल्लाह तबारिक वाली हम सबको सही मानो मैं तद्ब्र की तफ़ी ता फरमाए सदाज़ीम व सदा का वसूल नबील करकरीम सच फरमाया अने जो अज़मत वाला है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मुझे दुआम याद रखिएगा तार्जदार ख़त नबो जिंदाबाद पाकिस्तान पर आंदाबाद असल वरहल वबरक़ा